तो आईसीसी में टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2024 का ये फाइनल मुकाबला है, जिस मैच पर आज भारत ने 7 रन से इस मैच को जीत लिया और 17 साल के बाद आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का मैच जीता है और रोहित शर्मा ने फाइनली आईसीसी ट्रॉफी भारत को जीता दिया। आज इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का सिद्धांत लिया था और बेहतरीन बैटिंग किया भारत ने, निर्धारित 20 ओवर पर 176 रन 7 विकेट खोकर बना लिया और 177 रन का पीछा करते साउथ अफ्रीका ने बेहतरीन बैटिंग की और कमाल का मुकाबला देखने को मिला। एक समय तो लग रहा था 24 गेंद पर केवल 26 रन चाहिए और हेनरी क्लासन जैसे बैटिंग कर रहा था तब तो लग ही रहा था कि ये मैच 7 विकेट जीत जाएगा, लेकिन आखिरकार जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और सभी बॉलर ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए भारत की इस मैच को 7 रन से जीता दिया। अगर भारत की बैटिंग की बात की जाए तो किंग कोहली आज फिर से अपना क्लास दिखाया, बड़े मैच पर किंग कोहली ने 76 रन बनाया और विराट कोहली के बेहतरीन बैटिंग के साथ साथ अक्षर पटेल ने भी बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाया, 47 रन 31 नंबर बनाया और सीपीएम दुबे ने फाइनली बेहतरीन टच देकर 27 रन बनाया। अगर साउथ अफ्रीका बॉलिंग की बात की जाए तो केशव महाराज 2 विकेट, अनडी नोकिया 2 विकेट निकला और कागिसो रबाडा ने भी 1 विकेट निकाला। अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका की ओर से हेनरी क्लासन ने बेहतरीन बैटिंग किया, 52 रन केवल 27 गेंद पर बनाया, कुंडन डिकॉक 39 रन बनाया और ट्रिस्टन टॉप ने 31 रन बनाया। अगर भारत के स्टार बॉलर और चैंपियन बॉलर की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या बेहतरीन ऑलराउंडर प्रदर्शन इस टूर्नामेंट पर दिखाया, 3 विकेट निकाला, जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन बॉलिंग किया 2 विकेट और हर्षदीप सिंह ने भी इंपॉर्टेंट 2 विकेट निकाला। तो फाइनली इस मैच को भारत ने 7 रन से जीत लिया और टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का आखिरी मैच 55वां मैच है और इस मैच को जीतने के साथ साथ भारत ने आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियन टीम बन गए। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।